वेलकम बैक। करीब करीब 40% मतदान हो चुका है अब तक। सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ओवरऑल एवरेज निकाले, हम सारे आंकड़े आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि रायबरेली में सोनिया गांधी पर्चा दाखिल करने के बाद पीएम मोदी पर उन्होंने एक हमला बोला है। सोनिया गांधी से जब पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा विरोधियों को कि 2004 नहीं भूलना। वहीं सोनिया गांधी का पर्चा दाखिल करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर हमला बोला। राहुल ने फिर वही दोहराया जो उन्होंने कल अमेठी में अपना नामांकन भरने के बाद कहा। उन्होंने रफाल मामले पर प्रधानमंत्री को फिर से घेरे में लेने की कोशिश की और कहा कि मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ आए, सामने आए और भ्रष्टाचार पर एक खुली बहस करें। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी मेरा सिर्फ एक जवाब दे, जो कार्रवाई मेरे ऊपर करने करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी मुझे ये समझा दे कि ये जो अनिल अंबानी है, जो इनका मित्र है, दोस्त है, भाई है, जिसको ये भाई कहते हैं, इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, इसको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? नरेंद्र मोदी जी मुझे ये समझाए, मोदी जी ये भी मुझे समझा दे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। मोदी जी ये भी मुझे समझाए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि राफेल कॉन्ट्रैक्ट अनिल को मिलेगा, 1600 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। किसी न किसी तरह भ्रष्टाचार का जो ठप्पा है वो प्रधानमंत्री और इस मौजूदा सरकार पर लगाने पर आमादा हैं राहुल गांधी। भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, रिव्यू पिटीशन को दाखिल करने की फैसले को मिसकोट करें, चाहे कुछ भी करें, पर ये सियासत है। कई लोग कहते हैं इस सियासी दौर में, इस समर में ये सब चलता है। राजनीतिक बयान दोनों तरफ से होंगे, प्रधानमंत्री भी कुछ कहेंगे, राहुल गांधी भी कुछ कहेंगे, सबको डिस्काउंट कीजिए। पर हाँ, ज़रूर जाकर सोच समझ कर वोट कीजिए। अब अगर आप वोटर टर्नआउट की बात करें, ये चल रहा है गया में 33% 1 बजे तक, गाज़ियाबाद में 39% तक की टर्नआउट है, जमुई में 29% है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जमुई में अगर आप हमारा ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं तो बाहर उतरिए, थोड़ी सी गर्मी धीरे कम हो जाए 3 बजे के बाद, पर जाइए ज़रूर और वोट ज़रूर कीजिए। नवादा में 37% मतदान है 1 बजे तक, जमुई में और औरंगाबाद में देखिए 35% है। अगर हम वेस्टर्न यूपी के कई पॉकेट्स की बात करें तो 35-36%, कम से कम करीब करीब 40% का वोटर टर्नआउट है। सहारनपुर में देखिए 42% वोटिंग है, कैराना में 40% वोटिंग है, ये बहुत एनकरेजिंग है। मुजफ्फरनगर में 38% वोटिंग है 1 बजे तक, बिजनौर में 41% वोटिंग है, यानी कि वहाँ के वोटर तो बाहर पहुँचे हैं। अब की बार जो चुनाव आयोग है उन्होंने लक्ष्य साधा है 75% मतदान का। आज तक 68 साल हो गए 1951 के बाद, 68% देश की वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन वो चुनाव आयोग चाहता है कि 75% वोटिंग हो। चलिए अब बात करते हैं इस मुद्दे की। राहुल गांधी ने ना अमेठी की बात की, सोनिया गांधी ने ना रायबरेली की बात की, उन्होंने रफाल की बात की। राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ बताइए क्या ये जो अटैक है भ्रष्टाचार पर खुली बहस चाहते प्रधानमंत्री से राहुल गांधी? देखिए, पहली बात यह है कि अमेठी की जनता को बताएंगे क्या? वहाँ के लोग राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं, वहाँ की लोग, वहाँ की जनता वहाँ पे सड़कें दिखा रही है राहुल गांधी को, ये हमारी सड़कें हैं, ये हमारी नाली है, ये पानी की व्यवस्था है, और आपने सारी ज़िंदगी, सारा परिवार हमारा यहाँ पर, हम उनको चुनते आए लोकसभा के चुनावों के अंदर, आपको बहुत लंबा मैंडेट दिया। कंपैरिजन हो रहा है ना वाराणसी के साथ, कंपैरिजन हो रहा है कि वाराणसी कहाँ पहुंच गया, देश के प्रधानमंत्री ने वाराणसी को कितना बदला, और वो बदलाव जब वाराणसी की जनता देख रही है तो अमेठी की जनता जवाब मांग रही है उनसे। राहुल गांधी को तो इतना भी नहीं पता। अब कल आपको पता है राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि राहुल गांधी और ये पूरे परिवार को भ्रष्टाचार के चलते जेल में डाल देना चाहिए। आपको मालूम है, ये जानकारी आई आपके पास? जी नहीं, ये कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि राहुल गांधी को भ्रष्टाचार में, ये सड़क पे कैसे घूम रहे, उठा के जेल में डाल देना चाहिए इन्हें। मैं राहुल गांधी की भाषा में जवाब दे रहा हूँ। अगर वो ये निर्णय राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है,
पाकिस्तान तो आप इससे अंदाजा अब इस तरह वाले से सर नहीं नहीं वो कह रहे हैं हमारे देश का व्यंग्य कर रहे हैं सुनिए वो व्यंग्य कर रहे हैं राहुल गांधी ऐसे बयान कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। अरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्या बोल रहा है? राहुल गांधी जब इमरान खान के यार कौन है? राहुल गांधी इमरान खान किनके जीत की कामना कर रहा है? अच्छा अच्छा जब ये इमरान खान सतीश प्रकाश राहुल गांधी मत बनो तो हो सकता है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी आप मानने लगे हो। नहीं नहीं रुक जाइए सतीश प्रकाश की एक बात आज एक बात देखिए कल एक सेकंड कल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है। निर्णय क्या आता है कि ठीक है कंसिडरेशन में ले लेते हैं आपका हाँ। पीस ऑफ पेपर एक हाँ। छोटा सा टुकड़ा कंसिडरेशन में ले लेते हैं। राहुल गांधी बाहर निकल करके क्या जवाब देते हैं? अरे भाई बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि देश का चौकीदार ही चोर है, बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि रिलायंस को 30,000 करोड़ रुपए दिया हुआ है। ऐसे देखिए ऐसा बेवकूफ हाँ। बेवकूफी वाली बात करेंगे हाँ। तो उसका जवाब ऐसा ही मिलेगा ना। मैंने इसीलिए कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है। एक बात बताइए राजीव जेटली, एक बात बताइए आप वही कर रहे हैं। छोटा प्रश्न है एक मिनट आपके माध्यम से। एक मिनट कितने पुनर्विचार याचिकाओं को अभी तक स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट? आप वही कर रहे हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं कि आप उनके लेवल पर उनके टर्फ पर उनके मुद्दों पर आप बहस कीजिए, ना कि वो आप उनको कंपेल करें कि वो आपके मुद्दों पर आपके टर्फ पर आपके लेवल पर आके बहस करें। अब यही तो वो करने में सक्षम हुए ना। राजनीति में तो यही चलता है। शेष नारायण जी बताइए मैं गलत कह रहा हूं? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कल को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहा है जी, चाहे मैं खुद कहता हूँ मोदी जी भी अब दावेदार ही हैं, राहुल जी भी दावेदार हैं, लेकिन अभी अभी आपके सामने राहुल जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। देखिए आप उनके मुंह से ये कहना अच्छा नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। और सुनिए, एडमिसिबिलिटी इज नॉट द वर्डिक्ट। किसी केस में कोई चीज ठीक है इस पर हम विचार करेंगे, चलो उसको तोड़ मरोड़ लो, लेकिन आज आप फिर कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन। मेरा यह कहना है कि जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं कम से कम उनको फैक्चुअली रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखिए फैक्चुअली रॉन्ग तथ्य के बेसिस पे अगर मैं कहूं तो अमित जमाई भी हमारे साथ देखो सतीश प्रकाश बोले उसके बाद अमित जमाई आपकी तरफ रुख करते हैं कि वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेरा कहना शब्द ऐसा लगता है कि देखे हमको क्या लगता है क्या होना चाहिए। देखे नहीं नहीं मैं आपको एक बात आप नहीं देखे माहौल बना है 2014 के बाद से कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का जिस तरह का नहीं 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 कोई भी माहौल नहीं बना। आप एक बात बताइए सतीश प्रकाश एक बात बताइए, उन्होंने आज फिर क्या कहा? राहुल गांधी ने ये कहा प्रधानमंत्री मेरे खिलाफ जो चाहे करवाएं जी। अगर प्रधानमंत्री इन्वेस्टिगेट कर रहे होते तो राहुल गांधी कब के जेल चले गए होते? क्योंकि ये तो भाजपा पहले ही मान चुकी है कि राहुल गांधी को लेकर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? कोर्ट कर रही है। 2G का मामला जब केस कोर्ट में गया था, आरोप चाहे आरोप प्रत्यारोप चाहे जो भी हो फैसला कोर्ट लेती है। कोर्ट को मिसकोट करना, कोर्ट को आड़े हाथों लेना और फिर एक इंस्टीट्यूशन को यूज करना ये ठीक नहीं। लेकिन अमित जमाई आप मेरे साथ वहां लखनऊ से जुड़ रहे हैं, नमस्कार। आप कभी स्टूडियो आ जाए कीजिए, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं कभी कभार हम भूल जाते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप बुरा बाबा चेहरे पर हंसी अच्छी लग रही है, पर एक बात बताइए कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी हो भाजपा हो जो असली मुद्दे हैं जिस विषय पर लोगों को आकर वोट देना चाहिए वो विषय कहीं ना कहीं अब धूमिल हो रहे हैं जो रियल इश्यूज हैं ग्राउंड की? करना चाहता हूं हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि अंतरिक्ष और पाकिस्तान से अगर वो मौका मिल जाए इस देश के प्रधानमंत्री से समाजवादी लोग कहना चाहते हैं तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना हाँ। हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है हाँ। आठ सीटों पे उत्तर प्रदेश की लोकसभा पे जो चुनाव चल रहा है हमें उसके मुद्दे पे बात करनी है। हम जब देश के प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं क्या समस्या है आपको कि आपने 10,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का आज भी बकाया रखा, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अंतरिक्ष में देखो। जब हम पूछते हैं कि क्या बात है दलित एट्रोसिटीज के जरिए आपने दलित समाज पे सिलसिलेवार हमले करवाए, आरक्षण पे हमले करवाए, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान देखो। मैं बोल लूं किसानों को एमएसपी नहीं मिला, मोदी जी कहते हैं चाइना मुझे मारना चाहता है। फिर हम पूछते हैं कि मोदी जी ये बताओ
कि ये जो मिल मालिकों का जो पैसा जो कि अरे भैया ये क्या बात कर रहे हैं, ये लोग जो मिल गन्ना किसानों का पैसा लेकर भाग गए थे, ये वो चर्चा कर रहे हैं, मेरे को बोलने दीजिए, रुके रुके रुके, वोटर वोटिंग चल रही है, जैसे वो आरोप लगा रहे हैं वोटर गुमराह ना हो जाए, कहीं वोटर गुमराह ना हो जाए, इसलिए बोले आपको जवाब देने का, बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी, एक साथ बोलेंगे तो किसी की, अमित जमाई एक एक करके एक-एक करके आपने सबसे पहले गन्ना किसानों के बकाया की बात की, आपने 11,000 करोड़ रुपए की बात की, राजीव जेटली सबसे पहले आप इसका जवाब दीजिए, मैं ये बताना एक और जब आप ये सवाल पूछते हैं तो ये बात बताइएगा कि 4 साल पहले इनका बकाया कितना था, आज इनका बकाया कितना है, 4 साल पहले इनका बकाया 30,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए तक था, आज बकाया 11,000 करोड़ रुपए, लेकिन आगे बताइए 11,000 करोड़ रुपए कब गए, छोटी राशि नहीं है। देखिए पहली बात तो मैं आज थोड़ा सा ये गुमराह करने की कोशिश करेंगे, अभी वोटिंग चल रही है, वोटिंग के अंदर सबने अपना अपना संदेश दिया, मैं जनता को आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी चाहे वो महागठबंधन हो चाहे कांग्रेस हो, जिन्होंने अपील किया है कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, मुस्लिम भाइयों इनके बहकावे में मत आइएगा और कोई दूसरा भी बहकावे में ना आए, जो अपील करके कहते हैं बार बार एक सेकंड रुके सतीश प्रकाश जी, राजीव जेटली जी, अमित जमाई, मैं आप सबसे एक चीज कहूंगा, मैं आप सबसे एक चीज कहूंगा, रुकिए, आप चाहे कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक, कोई भी नेता चाहे आपको कुछ भी कहे, आप बस इतना कीजिए, अपनी जिम्मेदारी इस देश के लिए निभाइए, बाहर जाइए, वोट कीजिए, बटन दबाइए, देश में किसको वोट करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों वोट करते हैं उससे फर्क पड़ता है, आप वोट करते हैं उससे फर्क पड़ता है, आपको जो सही लगे उसे वोट कीजिए, लेकिन वोट कीजिए, चाहे आप कोई भी हो, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है आप जाइए, ये आपका हक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे निभाइए। दूसरी बात, राजीव जेटली मैं फिर आपसे यही कहूंगा, अरुण सिंह अभी भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं रायबरेली से, अरुण मैं आता हूं, लेकिन इसका जवाब आपको देना होगा कि मुद्दा यहां जो है 8 सीटों का वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा जो है ये गन्ना बेल्ट है, इस गन्ना बेल्ट में गन्ना किसान के 11,000 करोड़ रुपए जो बकाया है, ये आरोप लगाया कि आपने अभी तक इसको लौटाया नहीं है, आप बताइए जनता को कितना बकाया आपने लौटाया है, बाकी जो बकाया क्यों नहीं लौटाया। देखिए पहले जवाब दीजिए, पहली बात पूछने वाले लोग जो गन्ना किसानों का पैसा छोड़ करके गए थे उनकी सुध भी नहीं लेते थे, वो किसने आगे करा, योगी सरकार ने आगे करा, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ। दूसरा, ये जो बैठे हैं यहाँ पे अभी तो उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग, हाँ, मेरे भाई बैठे हैं, हाँ, और ईमानदारी से अगर कबूल लें, देखिए राजनीति ना करिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने बत्ती नहीं देखी थी, पंखा नहीं चलता था इनके घरों में, उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी से कबूल, अच्छा देखिए जनता को आंकड़े चाहिए, मैं जरा आपको बता दूं कि 3-4 साल पहले जो बकाया था 2017 के चुनाव से पहले जो बकाया था 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था गन्ना किसानों का, आज वो घटकर 11,000 करोड़ रुपए, इतना बकाया तो चुकाया गया, लेकिन 11,000 करोड़ रुपए अभी तक क्यों नहीं चुकाए गए, ये सवाल जायज है। देखिए बकाया चुकाया गया कि नहीं चुकाया गया, चुकाया गया। अरुण सिंह बताइए रायबरेली में सूरत हाल क्या है, कैसा है उनकी रैली कैसी थी, अब थोड़ा सा शांत हो गया है पीछे, लेकिन कांग्रेस और सोनिया गांधी और गांधी परिवार को जिताने का फिर से ये जो जिम्मा है ये रायबरेली ने उठा लिया है, क्या आपको सपा बसपा के काडर वहां ग्राउंड पर दिखे थे, कांग्रेस के काडर के साथ मेहनत मशक्कत करते हुए रोड शो को बनाते हुए नामांकन से पहले? मुझे लगता है आनंद समाजवादी पार्टी बीएसपी का कोई कार्यकर्ता इस रोड शो में नहीं था, क्योंकि सोनिया गांधी नामांकन पत्र भरने जा रही थी, उस तरह की सॉलिडरिटी जिस तरह से समाजवादी पार्टी बीएसपी में गठबंधन है उस तरह की कोई गठबंधन यहाँ है नहीं, सिर्फ उन्होंने समर्थन दिया है, इसलिए उनके काडर जी आप बोलिए, अरुण आप बोलते रहिए। तो मैं ये
मैं ये कह रहा था आनंद की काडर समाजवादी पार्टी या बीएसपी का यहाँ मुझे दिखा नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी कोई जन अधिकार पार्टी उन्होंने बनाई हुई है, जिस तरह से पप्पू यादव ने बिहार में बनाई हुई है, तो उसके कुछ झंडे बैनर मुझे जरूर लाल कलर के दिखे थे, लाल टोपी लगाए 10-5 कार्यकर्ता। इसके अलावा समाजवादी पार्टी या बीएसपी का कोई कार्यकर्ता नहीं था। उसकी ये भी वजह हो सकती क्योंकि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन तो है नहीं, इन दो सीटों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है और इसलिए ये पूरा कांग्रेस का ही शो था। जहां तक उनको जिताने की बात है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि पूरे प्रदेश में जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी बीएसपी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उसकी मुख्य लड़ाई बीजेपी से है। कांग्रेस कहीं कहीं लड़ाई में जरूर है लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जरूर बना रही है, लेकिन वहां पर कम से कम इन दो सीटों पर तो सीधी लड़ाई है बीजेपी से, तो इसलिए महागठबंधन का जो वोटर है वो उसके पास विकल्प नहीं है, वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी पार्टी के अन्य जगहों पर उसकी पार्टी लड़ रही है बीजेपी से, तो यहां पर स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस के साथ उसका एक तरह से कहें फ्रेंडली फाइट है, एक तरह से उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है, तो काडर सड़कों पर नहीं था लेकिन बूथों पर जाएगा कांग्रेस का ये कहना है और वोट देगा सोनिया गांधी को। ये भी कई नेताओं ने ये कहा कि ये सोनिया गांधी का हो सकता है कि आखिरी चुनाव हो रायबरेली से, और इमोशनल पिच पर भी इस तरह की बातें कही गई हैं कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो लौट के रायबरेली लड़ने के लिए आए ना आए परिवार की तरह वो आती रहेंगी, ये दावा कांग्रेस के नेता यहाँ कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि किस कदर वोटर जो है समाजवादी पार्टी बीएसपी जैसा कि आपने कहा वो वोटर कितने हद तक जाते हैं क्योंकि उनका अपना कोई प्रत्याशी नहीं है, समर्थन है कांग्रेस को, तो वो कितने हद तक जाते हैं बूथों पर। और कांग्रेस की भी यही चुनौती होगी कि अपने वोटरों के साथ साथ इन वोटरों को भी बूथ तक ले जाएं और तभी एक जो है अच्छा चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ा जा सकता है। जी अरुण, स्मृति ईरानी ने भी अपना नामांकन भर दिया है, आज सुबह पूजा पाठ के बाद उनका भी बहुत बड़ा रोड शो था। ये वैसी तस्वीरें हैं जैसे कल हमने गांधी परिवार की देखी थी, आज देखिए हम स्मृति ईरानी को देख रहे हैं, वहां पर पहुंची हैं अपना नामांकन भरने अपने परिवार के साथ, वो भी मौजूद थी आज अमेठी में। अमेठी में ये बात हर कोई मानने को तैयार है कि मौजूदा MP से ज्यादा जो वहां पर पिछली बार हारी थी उन्होंने ज्यादा बार अमेठी वहां गई हैं, लोगों से मिली हैं, जुड़ने की कोशिश की है, वहां के जो स्थानीय इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की है और सरकार में सेंटर और स्टेट दोनों से उन्होंने काफी सारे आग्रह करने के बाद कई सारे काम करवाने की कोशिश की है। अब क्या इसका रिजल्ट उनको वहां मिलेगा या फिर परिवारवाद जो है वो ज्यादा वहां पर आता है। इससे पहले कि मैं वापस वेस्टर्न यूपी में फोकस करूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको क्या लगता है शेष नारायण जी कि जो उन्होंने काम किया है बतौर एज अ लूजिंग कैंडिडेट, क्योंकि उनका फोकस था कि अब की बार राहुल गांधी को चैलेंज करना है, उसका कहीं ना कहीं असर आपको ग्राउंड पे दिख रहा है क्या? ये जो वायनाड का फैसला है ये उससे जोड़ के देखा जा सकता है? उससे जोड़ के नहीं, स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में भी उनको टफ फाइट दी थी और उसके पहले 2009-2004 में बीजेपी के कैंडिडेट को कहीं 10,000 के 8,000 वोट मिलता था। तो स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में जब से उन्होंने तय किया कि हम वहां से लड़ने जाएंगे, 5 साल से वहां खट रही हैं, तो जाहिर है वो काम कर रही हैं, लोगों से मिलजुल रही हैं, वहां पे तमाम स्कीमें ले गई, प्रधानमंत्री को गए वहां, अमित शाह गए और योगी आदित्यनाथ तो जैसे वीर बहादुर सिंह के टाइम में मुख्यमंत्री जाया करते थे उस तरह से जा रहे हैं। तो वो लड़ तो रही ही हैं, वो इसमें दो राय नहीं है। और वायनाड वाला का तो कुछ नहीं, वो तो नहीं चला, वो तो अभी शिगुफा एक चल गया है कि अगर ये सीट दोनों जीत जाएंगे तो यहाँ से प्रियंका को चला देंगे। अभी अब हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि ये भी चर्चा है, तो अगर वो है तब तो फिर हर हाल में वो मजबूत हो जाएंगे, वो नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी ने निश्चित रूप से टक्कर दी है क्योंकि 2004-2009-2014 का कंपेयर कर लो, मैंने लाख वोट से हारी है मुश्किल से जी, और जहाँ के 2.5-3 लाख वोट से जीते थे जी। तो कुल मिला के स्मृति ईरानी जबरदस्त टक्कर दे रही है इसमें। दूसरा, स्मृति ईरानी का कनेक्ट भी ठीक है। उस दिन पॉइंट आउट किया गया कि साहब वो लोकल लोगों से वहाँ के बड़े नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, अभी देखो उनके रोड शो में वो सारे लोग थे जिनका नाम मैंने ही लिया था कि भाई ये वो लोग कहाँ हैं जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो फॉलो अप भी कर रही हैं। आमतौर पर बड़े नेता जो हैं पत्रकारों की बात को इग्नोर मारते हैं, लेकिन वो लग रहा है कि उनको समझ में आ रहा है। और आज जो उनका रोड शो था, अब दुनिया चाहे जो कहे, जो मैं पहचान रहा हूं जिन बीजेपी के लीडर्स को, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वे लोग निश्चित रूप से उनके साथ हैं, वे लोग उनके साथ हैं। चलिए, यानी कि कोई ना कहीं टक्कर की लड़ाई हो सकती है, अमेठी की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए वापस रुक करते हैं, अमित जमाई ने जो बात उठाई और आज जिस फेज की बात कर रहे हैं ये है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये 8 सीटें हैं जहाँ पर ये लड़ाई चल रही है। अब अगर मैं इस पर फोकस करूँ और ये आंकड़े दिखाऊँ आपको, ये नंबर्स देखिए, 80 में से 8 सीटों की आज हम बात कर रहे हैं। बीजेपी प्लस का 2014 का अगर आंकड़ा देखें तो 49.16% इनका टोटल वोट शेयर था। एसपी सपा बसपा का जो गठबंधन है इसको अगर हम जोड़ के देखें तो एसपी बीएसपी का जो है 39.75% वोट शेयर है, जहां सबसे ज्यादा जो
इवन शेयर जो है वो बीएसपी और एसपी का है साथ में। अब अगर इसकी बात करें, इस पूरे फेज की बात करें, बैक मैं जरा जाऊंगा और फेज वन की बात करूंगा, और फेज वन में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आइए वापस ये नंबर्स देखते हैं। अब अगर ये टोटल निकाल के देखें, अगर कांग्रेस को छोड़कर 39.75 और 3% ये जो टोटल नंबर है, इस फेज में इस पर जाना इजी नहीं होगा। और मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो फेजेस हैं, यहाँ पर जो नंबर्स हैं, अगर आपके देखें तो मुस्लिम वोट्स बहुत स्ट्रांग हैं। ये लीजिए, आज मुजफ्फरनगर की बात हुई, संजीव बलियान ने क्या कहा था। संजीव बलियान ने वो जो बुरखा क्लैड औरतों को, जो नका औरतें हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही है, ये सुंजुड़ू विलेज की जो उन्होंने बात उठाई वो मुजफ्फरनगर में बात उठाई। अब यहाँ पर आप देखें, ये गाज़ियाबाद और नोएडा की बात करें, यहाँ पर भी फार्मर डिस्ट्रेस जो है ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इसकी बात करें। और यहाँ पर ये लीजिए, फार्मर डिस्ट्रेस की अगर बात करें, ये महेश शर्मा की सीट है नोएडा, फार्मर डिस्ट्रेस एक इशू है, और मुस्लिम जो वोट है, वोटर बेस है, वो 20% है। इन सब जगहों पर फार्मर डिस्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, एंड शुगर केन फार्मर्स का ये जो इशू है, 17 लाख वोटर्स हैं नोएडा में, 17 लाख वोटर्स हैं रूरल वोटर्स सिर्फ, मैं अगर नोएडा की बात करूं, गाज़ियाबाद में भी इतना ही बड़ा नंबर है, करीब 13 से 14 लाख हैं अगर आप रूरल वोटर्स की बात करें। राजीव जेटली, इनको आपने क्या इनको एड्रेस किया है, या फिर महेश शर्मा, वीके सिंह अर्बन फिनोमिनन बन के रह गए? नहीं, देखिए, अगर आप पीछे बैकग्राउंड में जाकर देखें जी, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जो कार्य किए हैं, अभी 6,000 रुपए का आपने देखिए सम्मान निधि हमारी सरकार ने शुरुआत करी है उसकी, फसल बीमा योजना हमारी सरकार ने शुरुआत करी है उसकी, उसके अलावा जो बजट था हमारा लगभग डबल बजट कर दिया गया पिछली सरकारों के कंपैरिजन में जी। और उसके बाद जो फार्मिंग की बात की जा रही है, देखिए हम जब भी बात करते हैं ना, बड़े बड़े हम किसानों की बात करते हैं, कई बार हम लैंडलॉर्ड की बात कर जाते हैं, जिनकी जिनकी जरूरत है किसानी में, लेकिन उस बेचारे गरीब मजदूर का क्या होगा जिसके पास 10 रुपए भी दवाई लेने के लिए नहीं होते हैं। उसके लिए आयुष्मान भारत योजना भी हमारी सरकार ही लेकर के आई, ताकि हर व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति पे मैटर करेंगे। अब आप इनमें से देखिए, इन 8 सीटों में से 3 सीट्स तो रूरल डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं, बागपत एक सीट है, उसमें से बागपत एक सीट है जहां सत्यपाल सिंह जी लड़ रहे हैं, हुकुम सिंह जी यहां पे कैराना में लड़े थे, वो अब नहीं है, तो यहां पर कैराना में भी रूरल डिस्ट्रिक्ट की बात है, एग्जोडस की बात थी। अब भारतेंद्र बिजनौर से लड़ रहे हैं जहां ऑलरेडी 42% वोटर टर्नआउट हुआ है। अब ये सारी सीटें जो हैं, यहां पर फार्मर डिस्ट्रिक्ट और रूरल डिस्ट्रिक्ट का केस बड़ा है। और अब की बार देखिए, जाट वोट्स का आप क्या कीजिएगा, आरएलडी पिछली बार हल्की हो गई थी क्योंकि जाट निकल के आ गए थे, अब की बार सत्यपाल सिंह जी की लड़ाई आप जानते हैं किससे है, वो मुजफ्फरनगर में संजीव बलियान किससे भिड़ रहे हैं, ये सारे जो हैं बहुत टाइट कॉन्टेस्ट हैं, बहुत क्लियर संदेश, ये टाइट कॉन्टेस्ट हैं, क्लियर संदेश दिया, बहुत क्लियर संदेश है। एक बार नहीं, 20-20 बार स्टेटमेंट आई है सब लोगों की, चाहे वो आप हम कैसे बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे चर्चा क्या चल रही है, अभी थोड़ी देर पहले वो समाजवादी पार्टी के कहते हैं दलित, अब आपने एक शब्द यूज किया जाट, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक रिपोर्टिंग देख रहा था, रिपोर्टिंग में इतने मुसलमान है, इतने ब्राह्मण है, इतने बनिए हैं यहाँ पे लाइन में लगे हुए। अरे भाई, बाकी सब तो बनिए ब्राह्मण कर दिया आपने, और मुसलमान को कहते हो साइलेंट वोटिंग करिए। मैं कहता हूँ सभी लोगों को समझना चाहिए इनका षड्यंत्र क्या है। ये एक दाब से बंटवारा करके साइलेंट वोटिंग करवाना चाहते हैं, और देखिए जनता इतनी ना वो हिंदू ना वो मुसलमान, इतना बेवकूफ नहीं है। जो ये की बात करते हैं, अमित जमाई भी हमारे साथ हैं और सारे विश्लेषक यहाँ पर हैं, इनका सबका बड़ा एक्सपीरियंस है। बीजेपी का वो मत ये रहा है कि जो व्यक्ति वोटर है वो अपने जात से ऊपर उठकर, अपने धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए वोट दे, कलेक्टिव होकर वोट दे, हिंदू वोट्स कंसोलिडेट ऑन एज फार एज हिंदूज आर कंसर्न, ये उनका हमेशा मत रहा है कि आप अगर कास्ट और इसमें विभाजित हो गए तो भाजपा की स्ट्रैटेजी नहीं होती। इस तरफ आप देखिए, आरएलडी सपा बसपा मिलकर बोले हैं, उन्होंने क्या कहा है, जाट जाटव यादव मुसलमान ये हमारा बेस है, हम चाहते हैं कि ये सब मिलकर हमको वोट दे। देखिए उनका आप पोस्टर देखिए, अमित जमाई आपका पोस्टर क्या था, अब की बार वोट बटने ना दे, अब की बार वोट कटने ना दे, ये आपने किसको कहा था, अपने इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ही कहा था। तो आप भी तो यही राजनीति कर रहे हैं, जब आप राजनीति यही कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो इससे ऊपर उठ के करने की बात कैसे करेगा, ग्राउंड पे तो इक्वेशन यही है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि जब स्मृति ईरानी जी का नाम डिक्लेयर हुआ तो ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ था पारसी? हम नहीं जाना चाहते हैं, धर्म जाति में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं आनंद भाई, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप वेस्टर्न यूपी में जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है आप उस पर चर्चा कर रहे हो। ये तो कह रहे हैं अली बजरंगबली,
ये कह रहे पाकिस्तान अभी चर्चा करना चाहते हैं, जब तक किसान देखे। मैं एक बात बताऊं अमीक जबाई, अमीक जबाई मैं एक बात करना चाहता हूं। नहीं रुके रुके, ये बात नहीं है, एजेंडा जो है सार्थक होना चाहिए। रुके रुके, ये अली, अगर आपको अली बजरंगबली याद रहता है तो फिर आपको मायावती का बयान भी याद रहना चाहिए, जब उन्होंने कहा था सारे मुसलमान हमें ही वोट दें, इमरान मसूद को ना दे, सहारनपुर से इन्होंने शुरू किया था। आपका जो पोस्टर है वही कहता है कि ना वोट बटने दे ना वोट कटने दे, इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, उसका उसका बहुत थी तो आप करें तो सही, दूसरा कोई करे तो गलत, गलत तो दोनों गलत है ना। तरफ वोट चला गया था जो वोट, सुनिए ना, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाजपा के ऑफिशियल पेज पे एक वीडियो चल रहा है एक घंटे पहले का, नहीं आप, नहीं, नहीं। उत्तर प्रदेश की सारी मुस्लिम महिलाएं मोदी जी के साथ है, इसका क्या मतलब है? तो बिल्कुल है, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, जिन्होंने अधिकार छीने उनके साथ थोड़ी जाएंगे। नहीं नहीं, तो हमने अधिकार छीने, आप तो बोलो कि हमने ट्रिपल तलाक के ऊपर खिलाफत करने वाले लोग हो जाएंगे वो आपके साथ, क्यों जाएंगे वो आपके साथ? आपको तो चाहिए, एक मिनट रुके, आप जिस एक मिनट रुके, मैं एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए फेज वन में उत्तर प्रदेश में कितनी लाख महिलाएं वोटर है, महिला वोटर कितनी है? अमीक जमाई कैसे लगा है? अमीक जमाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, फेज वन में उत्तर प्रदेश में कितने लाख महिला वोटर्स हैं? टोटल वोटर्स फेज वन 8 सीटें हैं, कितने वोटर्स हैं, महिला वोटर्स कितने हैं उसमें से? महिलाएं वोटर जो है 1.53% लोग मतदाता हैं, 1.53% मतदाता है, 1.53% क्या बोल रहा है? मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े पूछ रहा हूँ, आप पॉलिटिकल पार्टी, आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठ के मेरे से आप यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के फर्स्ट फेज में कितनी महिला वोटर्स हैं? मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ ना, कह तो रहा हूँ मैं, क्या कह रहे हैं आप? 1.53 करोड़ टोटल मतदाता है, उसका आधा कर लीजिए। आधा नहीं है, क्या समस्या? मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, मैं वही तो कह रहा हूं, टोटल 1.5 करोड़ वोटर्स हैं फर्स्ट फेज में, लेकिन महिला वोटर्स जो हैं 69 लाख हैं सर, मेल वोटर्स 83 लाख हैं। ये उत्तर प्रदेश एक देश है, एक प्रदेश है जहां ये आंकड़ा जो डिफरेंस है मेल फीमेल का इतना बड़ा है, ये क्यों है इतना? ये सवाल किसने पूछा? एग्जैक्ट नंबर्स आपको पता नहीं है महिला वोटर्स का, तो क्या महिला वोटर्स पर तवज्जो आप नहीं दे रहे हैं? उनके विषय पर इंपोर्टेंस देना जरूरी नहीं है? ये सवाल मैं हर किसी से पूछूंगा। आइए चलिए उत्तर प्रदेश से थोड़ा हटते हैं, एक और अपडेट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इससे पहले कि वापस हम पैनल की ओर रुख करें। गुजरात में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, चुनाव प्रकरण के शुरू होने से जस्ट पहले कांग्रेस छोड़ने के बाद गुजरात के कद्दावर नेता बैग योर पार्डन अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार मीडिया के सामने अल्पेश ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं से पैसे मांग रही है, जिसकी वजह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कहाँ दिक्कत है? आप बोल रहे हैं कि नेता है वो कंट्रोल में नहीं है गुजरात में, गुजरात कांग्रेस के नेता अपनी मनमानी करते हैं, कौन लोग हैं वो? देखिए, दो चार लोगों ने अड़िंगा जमा के बनाए रखा है, और ऐसा है कि जो शक्तियाँ हैं जिनके पास, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो जनाधार के साथ काम करे, उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, या एक तरह से उन शक्तियों को डिस्ट्रॉय करके उनको धक्का दे के उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। देखिए, उनमें अब मेरा नाम भी शामिल हो गया, मैं तो एक साल में ही मेरा तो मोह भंग हो गया। जिस तरह से हमने अपेक्षा रखी थी कि मेरे गरीब लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो तकरीबन 12,000 से ज़्यादा गांव में मेरे वॉलंटियर्स हैं, उनको उनके गांव, उनके तालुका, उनके जिला के अंदर सम्मान के साथ रखेंगे, परिवार भावना मिलेगी, एक प्यार मिलेगा अपनेपन का, पर पता नहीं हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, उनके साथ जुड़ के सब जगह पे उन्होंने, उनके लोगों ने हमारे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया, ना परिवार भावना मिली, ना सम्मान मिला, ना उन सम्मान के साथ जगह मिली, और उनको साथ में लेके चलने की जो बात थी उस बात को तो कहीं देखा भी नहीं। और राहुल आपके करीबी थे, आप हमेशा कहते थे मेरे बड़े भैया राहुल, क्या राहुल ने भी आपको नहीं सुना, क्या उनकी भी चलती नहीं पार्टी में, ऐसा कुछ? देखिए, अब हर भी मैं शिकायत कर करके थक गया था। किसे शिकायत किया? उनसे भी की थी, बहुत सारी पार्टी में शिकायत की, और क्या फिर राहुल ने अगर शिकायत की तो? देखिए, बहुत सारी परेशानी दिक्कत हो रही है, उनको जरा बोलिए, गुजरात कांग्रेस में भी बोला था, हमारे आला कमान को भी बोला था, प्रभारी को भी बोला था, और प्रभारी की कमजोरी यह है कि हर लोग कोई को वो CLP का लॉलीपॉप दे देते हैं, PCC का लॉलीपॉप दे देते थे। यार, आप CLP और लॉलीपॉप के काम से खुश नहीं है क्या? और आप ही फ्यूचर, आप ही भविष्य हो, यार ऐसा नहीं होता। कितने लोगों को दिया ऐसा भरोसा? 25 लोगों को दिया होगा, दोनों आप भी थे उसमें शामिल? मैं तो ऑफकोर्स मैं था,
बट मैं आपको बताऊं, मैं जिस तरह से बातें हो रही है, आपको पार्टी में बोलना पड़ता है, पार्टी शिस्त से चलती है। 2017 में कांग्रेस पार्टी के जो दागी थे, 37 असेंबली के अंदर लड़े, उनकी वजह से पार्टी की बहुत सारी सीटें आ रहे हैं और हम सिर्फ 8 सीटों के मार्जिन से सरकार नहीं बना पाए। वो लोग आज भी पार्टी में हैं, उनको तुरंत पार्टी में ले लिया, ऐसा क्या हो गया? जो लोग पार्टी को गालियां दे रहे थे आज वो पार्टी में हैं, जिन लोगों को नोटिस दिया 100 से 150 लोगों को, आज वो भी पार्टी में, यानी पार्टी में सिद्ध जैसा नहीं रहा। और कांग्रेस पार्टी के ही कद्दावर या मजबूत लोग क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? उनके साथ एक मजबूत शक्ति आज या कमजोर लोग हैं उन पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। पार्टी को जिंदा रखने का काम गरीबों ने किया है, और उस पार्टी के अंदर जब गरीब पिछड़ा टिकट भी मांगता है तो उसको ये पूछा जाता है, तुम्हारे पास पैसा है क्या? क्या तुम जीत पाओगे? क्या तुम्हारी कम्युनिटी तुम्हारे साथ है? अरे यार, वो 25 साल से 30 साल से तुम्हारी पार्टी में काम कर रहा है, उसको इस तरह का सर्टिफिकेट मत मांगिए। आपसे ही क्यों कहा, हार्दिक से क्यों नहीं कहा? सागर भाई, तो नहीं नहीं, देखिए मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। मैंने बोला ना, अमीरों से कभी पैसों का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, अमीरों से कभी जनाधार का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट मांगा जाएगा गरीबों से, पिछड़ों से, क्योंकि अमीर तो नोटों से भी वोट ले आएंगे, अमीर के साथ सब कुछ खड़ा रहेगा ऐसा वो मानते हैं। पर अब उनको याद रखना चाहिए, गरीब भी पिछड़े भी अपने अधिकार के लिए जागरूक हुए हैं, और गरीब पिछड़े भी अपनी ताकत बता सकते हैं। उनके साथ व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ द्रोह नहीं होना चाहिए, उनको यूज एंड थ्रो नहीं करना चाहिए। अल्पेश ठाकुर की ठाकुर सेना में बहुत बड़ा दम है, और कांग्रेस पार्टी को ये झटका है गुजरात का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक दो जगह मिलाकर अब तक 2000 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं, ये क्या चल रहा है।